कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल गिरफ्तार। सारंगपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सड़क रास्ते से दिल्ली की तरफ भाग रहे थे आरोपी। सीएम मोहनलाल यादव ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर हादसे के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने धमाके के तीनों आरोपियों को राजगढ़ जिले के सारंगपुर से पकड़ लिया। ये तीनों हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक हैं। धमाके के बाद से आरोपी फरार थे। पुलिस शाजापुर से इनके पीछे लगी हुई थी। सारंगपुर पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसके पार्टनर ब्लास्ट के बाद मौके से फरार हो गए थे। तीनों को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी और इसी बीच कल रात को सूचना मिली कि अग्रवाल और उसके दो साथी कार से राजगढ़ की ओर भाग रहे हैं। वहीं पता चलते ही शाजापुर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन तीनों हाथ से निकल गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सारंगपुर में तीनों आरोपियों को दबोच लिया। इस अग्निकांड में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के साथ राहगीर भी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 174 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 51 को गंभीर हालात में भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। विस्फोट कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के आसपास के 60 घर भी जलकर खाक हो गए। धमाके से फैक्ट्री से 400 मीटर दूर तक लोगों के शरीर के शत विशत अंग जाकर गिरे और करीब 115 से ज्यादा एम्बुलेंस को राहत कार्य में लगाया गया। अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। हर तरफ चीख पुकार गूंजती रही। इंसाफ मांगने हमने हमारे बाबा खोए हैं। इंसाफ तो मांगेंगे ही मांगेंगे। नहीं, प्रशासन यहाँ रहने नहीं आती कि यहाँ देखने आती कितने लोग गिनती कर काउंटिंग करने नहीं आ रही थी। यहाँ हमारा जो उजड़ा है वो पापा दिलवा। हम आज दूसरे के घर पड़े। हमारा घर का घर नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे स्कूल से आए हैं। इनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? हमारा घर बनवा के दो अच्छी जगह। हमारा घर बनवा के दो, जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान की भरपाई दो। ये बच्चे को कौन कमा के खिलाएगा? इनको कौन देगा? कौन के घर रहेंगे? कौन बेटा? बेटी है हमारी, बहन है। स्कूल जा रहे थे, ये देखो ना, ड्रेस भी नहीं ले, स्कूल जा रहे हैं। बहन है और एक ही भाई है। एक भाई हमारा कौन करेगा? हमारे पापा मम्मी दो ही शांत हुए। अभी कुछ आश्वासन दिया प्रशासन के लोग? कुछ भी नहीं, अभी देखने तक नहीं आया। हम लोगों के घर पड़े हैं, घर पड़े कोई देखने नहीं आ रहा हमको। किधर पड़े प्रशासन? तो बस भगने जा रही है। 11 लोग मरे, कितने लोग मर गए, 11 लोग का नाम ले रहे प्रशासन। बार मेरे को जानकारी दे दो, आप जानकारी छुपाना क्यों चाहते हो? नहीं, पर आप जानकारी क्यों छुपाना चाहते हो? भागना क्यों चाहते हो? भैया आप आमने सामने, आपने ईमानदारी से काम किया है ना? ऐसे जेसीबी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे दे।